सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानज श्रम भितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव सदा चरणारविन्दम् गोविन्द जीवन धनम् शिरसा वहामि शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तन की। आज के भाव में प्रवेश करें कुछ क्षणों के लिए, उससे पूर्व हरि नाम आश्रय कर लें। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम जय जय श्री हरि वंश दुलारी जय वृंदावन धाम धन धन राधा नाम सुंदर श्याम जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम धन धन राधा श्री राधा राधा श्री
सुखाप भगवान देहिनाम गोपिकासुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्ति मितामिह। श्रीमद् भागवत कहती है, हे प्रभो, जिस प्रकार आप नंद नंदन यशोदा नंदन के रूप में सुलभ होते हैं, जिस स्वरूप का आस्वादन आपके भक्त करते हैं, आपकी जिस स्वरूप माधुरी, आपकी जिस लीला माधुरी का आस्वादन भक्ति के द्वारा होता है, वो आपकी अद्भुत माधुरी, वो आपका विलक्षण माधुर्य न तो ज्ञानी कर पाते हैं, न अपने स्वरूप में स्थित योगी कर पाते हैं। सब कर मांगूं एक फल, राम चरण रति हो। बड़े लंबे काल के अनुभवों के बाद, बड़ी दीर्घकालिक साधनाओं के बाद कबीर कहते हैं, सभे रसायन हम किया, सब करके देखा है हमने, सभे रसायन हम किया पे प्रेम समान न कोए, रंचक तन में संचरे और सब तन कंचन होए। कल भी चर्चा हो रही थी कि भगवत भाव, प्रभु के प्रति मन में आकर्षण होना, भगवत प्राप्ति की लालसा, ये एक नहीं अनेक जन्मों के पुण्यों का परिपाक है। ये सहज साधारण स्थिति नहीं है कि आपके मन में सहज कामना उदित हो, आपका मन सहज प्रभु की ओर आकर्षित हो। देखो, सत्संग में आ जाना, कथा में आकर बैठ जाना, यहां से आकर कुछ लेकर जाना, ये दूसरी बात है, और यहां आकर कोई कुछ ले रहा है, उसके लेने में विघ्न उपस्थित कर देना, ये तीसरी बात है, जैसा अभी अभी आप लोगों में से किसी ने किया। तो सत्संग तक आना ये एक बात है, सत्संग का आस्वादन होवे ये दूसरी बात है, माला फेरना एक विषय है, पर माला फेरने में सुख मिले, माला करते करते माला फेरने की रुचि बढ़े, स्मरण की अभिरुचि बढ़े धीरे धीरे, ये दूसरी बात है। किसी विषय वस्तु को जान लेना ये एक स्तर है, और फिर उस विषय वस्तु का आस्वादन होवे ये दूसरा स्तर है। तो वैसे तो सत्संग की ओर उन्मुख ही जीव भक्त और भगवंत की कृपा से होता है, पर किंचित सत्संग की लालसा हो, देखो भूख लगी हो तो बासी रोटी भी अच्छी लगती है, तेज भूख लगी हो, बड़ी तीव्र क्षुधा से आप आतुर हो तो बासी रोटी भी सुहाएगी, और भूख नहीं हो तो छप्पन भोग भी नीरस है। कल इस विषय पर जब चर्चा हो रही थी ना कि विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, इसलिए कथा सबके लिए नहीं है, इसीलिए कथा का अधिकारी प्रत्येक जीव नहीं है। और मैंने कल ही आपसे निवेदन किया था कि आप मुझे कहानी सुनाने के लिए बुलाते तो और बात थी, पर जो विषय आप लोगों ने चुना उस विषय के लिए मुझे एक वातावरण चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जो मैं कहीं पर भी नहीं कहता, कोटि कोटि जन्मों के यत्नों के बाद भक्ति का कोई एक भाव मन को स्पर्श करता है, मन में स्फुरित होता है,
ये किसी गली या चौक चौराहे पे गाए जाने वाला गीत नहीं है कि आप कैसे भी आए और आकर सुन लें और चले जाएं, और मैं कैसे भी आपको सुना दूं, किसी को भी सुना दूं। इस वस्तु का भी एक मोल है, और वो मोल है समर्पण, वो मोल है श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और याभ्याम बिना न पश्यन्ति। ये दो मोल तो आपको देने पड़ेंगे, श्रद्धा और विश्वास। यदि आपको श्रवण का सुख लेना है तो सहज भाव नहीं है कि भगवान अच्छे लगते हो, भगवान मीठे लगते हो। ये जन्मों की यात्रा का फल है, ये जन्मों के पुण्यों का परिपाक है। प्रभु का मधुर लगना ये जन्मों की आपकी अर्जित संपत्ति है, जो इस जन्म में फलीभूत हुई है। पर भगवान कहते हैं, पाए रतन चीन हो नहीं, दीन हो करते डार, और यह है माया श्री कृष्ण की, मोहयो सब संसार। मोहित है जीव, सुख चाहता है, आनंद चाहता है। कल भी चर्चा हो रही थी कि संसार में आते प्रथम चेष्टा ही है कुछ पाना, कुछ पाने की इच्छा, लालसा, इसी के लिए संसार में आना है। क्या चाहिए ये नहीं पता, वो कहां मिलेगा ये नहीं जानते। देखो, संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। संसार में प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी एक उपयोगिता है। यहां पर विश्व भी निरर्थक नहीं है, उसकी भी अपनी एक उपयोगिता है। उस महामहिम की रचना के पीछे कोई ना कोई हेतु है, कोई ना कोई कारण है। सृष्टि में, प्रकृति में एक बड़ा सुंदर सा संतुलन बैठाया है प्रभु ने। और यहां जो भी है, आपका सबसे संपर्क होगा, आप सबसे मिलेंगे। कोई ऐसा है यहां पर जिसको संसार में भला ही भला व्यक्ति मिला हो, और कोई ऐसा भी नहीं है जिसको संसार में केवल बुरे व्यक्ति से पाला पड़ा हो। हानि लाभ, यश अपयश, निंदा स्तुति, मान अपमान, भोर सांझ, श्वेत श्याम, सत्य असत्य, इसी ताने बाने से ही तो इस संसार की चदरिया बुनी है उसने। यहां सब कुछ है। सकल पदार्थ या जग माही, सकल पदार्थ। आपको आपके उपयोग की वस्तु चुननी है, और संतुलित मात्रा में चुननी है। दिस इज द ओनली आर्ट ऑफ लिविंग। यही जीने की कला है कि आपको अपने उपयोग की वस्तु चुननी है, पर संतुलित मात्रा में चुननी है। बस संतुलन का नाम ही, संतुलन ही गतिमान बनाएगा आपको। आप देखिए, आप साइकिल चलाएं तो उसमें भी क्या है, आपको सबसे पहले संतुलन बनाना सीखना पड़ेगा। साइकिल छोड़िए, आपको चलना भी हो तो भी अगला कदम धरने का और पिछला कदम उठाने का एक संतुलन है, वही आपको गतिमान बनाता है। आप देखेंगे जीवन की प्रत्येक क्रिया में यू नीड अ बैलेंस, आपको एक संतुलन की आवश्यकता है। और आध्यात्म की भाषा में इसे विवेक कह देते हैं। विवेक कि आपको क्या चुनना है, आपको कब चुनना है, आपको कितना लेना है। यहां से, यहां सब कुछ है, पर सब कुछ आपके लिए नहीं है। यहां संसार में प्रत्येक वस्तु बनाई गई है, लेकिन सभी कुछ आपके लिए नहीं है। आप जो सब पर अपना अधिकार चाहते हैं, आप जो प्रत्येक वस्तु पर अपना आधिपत्य चाहते हैं, वस्तु का उपयोग करना जीव का अधिकार है, वस्तु का उपभोग करना नहीं। प्रभु ने रचा इस संसार को आपके मेरे उपयोग के लिए, जो है वो सब आपके मेरे लिए ही तो बनाया गया है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का सहज उत्तराधिकार होता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, सहज में ही वो उसकी है। लेकिन अधिकार के साथ साथ एक कर्तव्य भी है। मैं तो कई बार विचार करता हूं कि देखो, किसी पेड़ का फल अगर आज मैं खाता हूं तो उसका बीज कभी तो किसी ने डाला होगा, तो वो फल आज मुझे मिलता है, वो आपको मिलता है। तो बस आपका मेरा भी ये कर्तव्य है कि किसी का लगाया पेड़ हमें फल देता है, तो हम भी यहां पर एक बीज डाल के चले जाएं कि उसका फल किसी और को मिलेगा। इतना विवेक चाहिए जीवन जीने के लिए। यहां पर कुछ भी निरर्थक नहीं है। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा यदि जीवन में संतुलन आ जाए, और यही संतुलन इस भाषा में संत इसे विवेक कह देते हैं। कहां से मिले?
मैं तो अभी कुछ दिन पूर्व कहीं चर्चा कर रहा था तो ऐसे चिंतन मन में आया कि देखो भाई, जीव आता है संसार में क्या लेकर, अपना अपना भोग, अपना अपना भाग्य, अपना अपना प्रारब्ध और अपने 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 कर्मों की एक पिटारी लेकर आया है। रंग बिरंगे कर्म, कुछ अच्छे कुछ कुछ बुरे, कुछ शुभ कुछ अशुभ, कुछ मैले कुछ पवित्र, और उन उन धागों की उलझी सी गुच्छी गुत्थी लेकर आया है जीव संसार में, उलझी सी गुत्थी। कोई तो जाता है और उलझा के चला जाता है, किसी के जीवन का परिणाम क्या है, कर्मों का बंधन और प्रगाढ़ हो गया, और बंध गए आप संसार में, और फंस गए आप संसार में। कोई तो आया और बंध गया, और कोई आता है और सुलझा के चला जाता है, कोई आता है जीवन मुक्त होकर चला जाता है, कोई आता है प्रभु के दिए इस अवसर का समुचित लाभ लेता है और सदा सदा के लिए तृप्त होकर चला जाता है। पर आपको एक बड़ी उलझी सी गुत्थी कोई दे दे और ये कहे कि इसे सुलझाइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक सिरा खोजेंगे, कोई एक सिरा हाथ में आ जाए जिसको पकड़ के आप सुलझाना शुरू करते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो उलझे हुए कर्मों की गुत्थी लेकर हम आए हैं संसार में, एक सिरा हाथ में आ जाए जिससे ये सब सुलझना शुरू हो जाए, और वो एक सिरा क्या है? वो एक सिरा सत्संग है। आप इसे पकड़ लीजिए, आप इसे हाथ में ले लीजिए, धीरे धीरे सब गुत्थी सुलझने लगेगी। आपको भले पूरा मार्ग न दिखाई पड़े, लेकिन ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगला पग आपको कहां धरना है, इतना प्रकाश सत्संग आपके जीवन में ले आएगा, इतनी उजास सत्संग की कृपा से जीवन में आ जाएगी। सत्संग ज्योति स्तंभ बन जाता है जीवन का। जिसने सत्संग को आदर दिया है जीवन में, जिसने साधु संघ को आदर दिया है जीवन में, जिसने जिसने गुरुजनों की जिसने गुरुजनों के विचार और सिद्धांत को जीवन में आदर दिया है, उसका जीवन निश्चित रूप से उजास से भर जाता है। ये गुत्थी सुलझ जाती है केवल एक सिरे को हाथ में ले लेने से। जिसे मैं संतुलन कह रहा हूं, जिसे मैं विवेक कह रहा हूं, आएगा कहां से? बुद्धिमान तो सभी होते हैं, बुद्धि तो सभी के पास में है, विवेक सभी के पास में नहीं होता। आप बताइए कौन है यहां पर ऐसा जो ये ना जानता हो कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे? सभी तो जानते हैं, लेकिन आप अपनी क्रिया देखेंगे तो आप बिल्कुल नितांत उसके विपरीत कर रहे हैं। असार संसार को जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए आप फिर संसार मांगते हैं, आप फिर संसार में लिप्त होते हैं। यह प्रज्ञा अपराध है। एक 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 होती है गलती जो आपसे अनजाने में हो गई, आप जानते नहीं थे, आप कर बैठे, उसके लिए क्षमा की जाती है। और एक होता है अपराध जो आपने जानबूझकर किया है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है, उसके लिए तो दंड है। और प्रज्ञा अपराध का एक ही दंड है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसका एक ही दंड है, फिर से आना पड़ेगा यहां, फिर से ये सुख और दुख का द्वंद, फिर से ये जग जंजाल। और इससे मुक्त होने का एक ही उपाय है, आज समझ लीजिए या कभी किसी जन्म में ये समझ में आए कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। विवेक की प्राप्ति यही सत्संग का फल है, विवेक जग जाए। विद्या की प्राप्ति का लक्ष्य यही है, ज्ञान का परिपाक ही वैराग्य है। आपने संसार की वस्तु की असारता को जान लिया, लेकिन जानते हुए भी आप उसी को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, ये ज्ञान किसी काम का नहीं, तो बोझ है, ये तो दंभ है। आप और अपराधी हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति तो बिना जाने चूक कर रहा है, अनजाने में चूक हो रही है उससे, पर आप तो जानबूझकर किए जा रहे हैं, ये प्रज्ञा का अपराध है। महामहिम इसे क्षमा नहीं करेगा। ओरछा के राजगुरु पंडित हरिराम व्यास, 52 राजा व्यास जी के शिष्य, और जिस समय व्यास जी रहे उनके समक्ष उनकी तुलना का कोई दूसरा विद्वान इस धरती पर नहीं, ऐसे प्रचंड पराक्रमी विद्या के विद्याधर, सारी पृथ्वी को परास्त कर दिया अपनी विद्वत्ता से, सारे पृथ्वी के विद्वानों को हरा दिया एक एक करके, चुन चुन के,
एक काशी नगरी रह गई। तो एक दिन मन में विचार आया, बोले काशी को क्यों छोड़े और क्यों ना विश्व विजयी बन जाएं। तो पहुंच गए काशी। काशी के ब्राह्मणों ने सुना कि हरिराम व्यास जी आए हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, और उनसे शास्त्रार्थ करने का अर्थ है कि पराजय निश्चित है, तो क्या किया जाए। तो सब लोग पहुंचे काशी विश्वनाथ के चरणों में, बोले बाबा ये पंडित व्यास जी हमसे लड़ने आए हैं, शास्त्रार्थ होगा, शास्त्रार्थ होगा तो हम हार जाएंगे, और हम हार जाएंगे तो काशी हार जाएगी, और काशी हार जाएगी तो काशी विश्वनाथ हार जाएंगे, तो आप ही कोई युक्ति बताइए, आप ही कोई मार्ग निकालिए। और हमारे भोलेनाथ का स्वरूप क्या है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जान। ये शास्त्रों में छिपा हुआ रहस्य है, भगवान अपने मुख से कहते हैं, जा पर कृपा न करहिं पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमार। जिस पर शंकर कृपा नहीं करते उसके भजन के मार्ग की बाधा कभी दूर नहीं होती, वो जीव मोहित रहता है, वो जीव भ्रमित रहता है। ये त्रिभुवन गुरु हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये सबको भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं, ये सबको भगवत प्राप्ति का मार्ग देने वाले हैं। वैष्णवानाम अग्रगण्य शंभु, इनकी कृपा के बिना निष्किंचना भक्ति का, शुद्धा भक्ति का मार्ग जीव को नहीं मिलता। जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, भगवान कहते हैं वैष्णवों के परम सेव्य हैं सदाशिव। भोलेनाथ को दया आई, प्रातःकाल शास्त्रार्थ होना था, जैसे ही व्यास जी जगे, व्यास जी के मन में आया कि भाई शास्त्रार्थ करने से पहले जिस नगर में आए हैं उस नगर के देवता को प्रणाम करना चाहिए, तो पहले क्यों ना चल के बाबा विश्वनाथ को प्रणाम कर आए। व्यास जी प्रणाम करने पहुंचे, रास्ते में ही मन में संकल्प स्फुरित हो गया कि विश्वनाथ का अभिषेक करना चाहिए, पूजन अर्चन से पहले उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। व्यास जी ने बड़ा सुंदर, बड़े भाव चाव से विश्वनाथ का अभिषेक संपन्न कराया, और प्रसाद लेकर जैसे ही मंदिर के बाहर आए, एक बूढ़ा ब्राह्मण फटे पुराने वस्त्र पहने द्वार पर खड़ा है, बड़ा तेजस्वी मालूम पड़ता है। व्यास जी को प्रणाम किया, व्यास जी ने भी प्रणाम का उत्तर दिया, बोले आपकी विद्वत्ता की हमने बड़ी प्रशंसा सुनी है, तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा पूछिए। बोले विद्या कि प्राप्ति का फल क्या है, किस लिए विद्या प्राप्त की जाती है। तो व्यास जी ने कहा यह तो कोई बड़ा कठिन प्रश्न नहीं है, विद्या की प्राप्ति का फल यही है कि विवेक जग जाए। और बोले विवेक क्या होता है। व्यास जी को लगा कि काशी का तो हर व्यक्ति पंडित है, वहां तो गंगा की धारा के साथ विद्या और विद्वत्ता बहती है, उस नगर की, वहां की जो भूमि है, वहां जो बहने वाली वायु है, वही विद्या की उजास प्रदान करती है, और ये ब्राह्मण मुझसे कैसे अटपटे से प्रश्न पूछ रहा है, इतना भी नहीं जानता कि विवेक क्या है। बोले सत्य और असत्य का बोध हो जाए, इसी को विवेक कहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा फिर लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो व्यास जी ने कहा ये मैं क्या बताऊं, ये तो विश्वनाथ निर्णय कर चुके, ये तो स्वयं विश्वनाथ निर्णय कर चुके हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो उस ब्राह्मण ने कहा फिर भी हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, आप बहुत विद्वान हैं ना, आप तो दिग्विजयी पंडित हैं, सारी पृथ्वी के विद्वानों को परास्त कर चुके हैं, आपकी व्याख्या निश्चित रूप से विलक्षण होगी। तो व्यास जी ने कहा कि भाई सत्य क्या है असत्य क्या है इसका निर्णय स्वयं विश्वनाथ के अनुसार। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले भगवत भजन सत्य है और ये संसार असत्य है। हंसने लगे, ठहाका मारकर हंसे वो बूढ़े ब्राह्मण।
बोले हमने तो सुना था कि बहुत बड़े पंडित हैं आप बड़े बुद्धिमान होंगे जो काशी के विद्वानों को परास्त करने चले आए, पर हमें तो लगता है कि आपके जैसा मूर्ख और कोई है ही नहीं। व्यास जी ने कहा ये क्या कहते हैं आप? बोले आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, और केवल सत्य और असत्य की परिभाषा करने में आपने जीवन बिता दिया, कभी उस सत्य को प्राप्त करने का भी प्रयास किया? व्यास जी के मन पे चोट लगी कि ब्राह्मण क्या कह रहा है, ये ब्राह्मण बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है, मैं जीवन भर सत्य का उपदेश करता आया, मैं जीवन भर सत्य और असत्य की विद्वत्तापूर्ण व्याख्या करता आया, मैं जीवन भर विद्या के विलास में फंसा रहा, मैं जीवन भर उसी ऊहापोह में उलझा रहा, मैं जीवन भर शास्त्रों का अर्थ करने में जीवन गंवाता रहा, लेकिन क्या कभी मैंने शास्त्रों के अर्थ को प्राप्त करने का प्रयास किया? ब्राह्मण ने पीठ थपथपाई, बोले व्यास जी बुरा ना मानिएगा, इस जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य भोले भाले पंडितों और भोले भाले विद्वानों को हराना नहीं है, पराजित करना नहीं है, विद्या की प्राप्ति का एक ही लक्ष्य है, विवेक की जागृति हो जाए, और विवेक जगते ही जीव भजन परायण हो जाए, जीव सत्संग परायण हो जाए। व्यास जी जाइए किसी सदगुरु को खोजिए, उसके चरणों पे माथा रखिए, उससे भजन करने की विद्या सीखिए, और भगवत भजन करके अपना कल्याण करिए, जीवन का अर्थ ये नहीं है जो आप खोजने में लगे हुए हैं, कहकर ब्राह्मण तो चल दिए। व्यास जी वही मंदिर के द्वार पर बैठ गए, शास्त्रार्थ का विचार मन से निकाल दिया, लौट आए ओरछा और दिन रात प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि कब मेरा भाग्य जगे और सदगुरु मुझे प्राप्त करके कृतार्थ करे। विद्या का भी अपना एक व्यसन होता है, विद्या में भी अपना एक मद है, जैसे कोई बहुत बलवान व्यक्ति होगा ना तो वो यहां वहां किसी को भी मारता चलेगा, किसी को भी फटकारता चलेगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझसे कोई उलझ नहीं सकता। धन का अपना मद है, बल का अपना मद है, ऐसे विद्या का भी अपना एक मद है, और विद्या का मद बहुत बड़ा मद है। आपने दो चार पोथी किसी से अधिक पढ़ ली तो आपको लगेगा कि हमें तो किसी से सीखने की समझने की आवश्यकता ही नहीं, पर कल भी मैंने कहा था कि जब सुनने के लिए आइए तो अपना मन खाली करके आइए, रिक्त चित्त होकर आइए। सुनने की कला हनुमान जी सिखाते हैं, विनय और भक्ति के साथ बैठकर श्रवण करिए, तब श्रवण का सुख मिलेगा। 9 प्रकार की भक्तियों में श्रीमद् भागवत कहती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस नवधा भक्ति का जो मूल है वो श्रवण है। अगर आप सुनना नहीं जानते, अगर आपको सुनना नहीं आता, तो ये भजन की विद्या आप कभी नहीं साध पाएंगे, ये भजन की विधा कभी नहीं सधेगी जीवन में, अगर आप सुनना नहीं जानते तो। और कैसे आइए? संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, ये दो चीज बाहर छोड़कर आइए, एक ममता और एक अभिमान। ममता संसार की ममता, आप बैठे बैठे देखते रहते हो नीचे से उठा के मोबाइल फोन, किसी का फोन तो नहीं आ गया, ऐसा ना, ये ममता छोड़कर आइए थोड़ी देर के लिए। मैं नहीं कहता कि आप यहां 2.5 घंटा 3 घंटा बैठिए, भले आधी घंटा बैठिए, लेकिन वो आधा घंटा आप एकाग्र होकर बैठिए, वो आधा घंटा आप दत्तचित्त होकर बैठिए। बहुत बहुत बड़ा बल छिपा है एकाग्रता में, एकाग्रता अप्रकट को प्रकट करने में सक्षम है। एक छोटे से कांच के टुकड़े को आप कर दीजिए किसी कागज के टुकड़े पर एकाग्र धूप में, थोड़ी सी देर में अग्नि प्रकट हो जाएगी, वो जो अप्रत्यक्ष थी, वो जो अप्रकट थी, वो प्रकट कर देगी उस कांच के टुकड़े से की हुई एकाग्रता, अग्नि प्रकट कर देगी। ऐसे मन की एकाग्रता और अंतर में निराकार को साकार करने में सक्षम है। इसको प्रयास करना चाहिए प्राप्त करने का। थोड़ी देर के लिए बैठिए, पर एकाग्र होकर बैठिए, यही सत्संग का फल है, विवेक जगे, और वो विवेक की जागृति हमारे जीवन में परिलक्षित होनी चाहिए, हमारी छोटी छोटी क्रिया में। मैं सदा निवेदन करता हूं व्यासपीठ से, उपासना वो नहीं जो आपके आपकी भक्ति को भी एक कर्म बना दे,
यही तो होता है, भक्ति कर्म सी हो जाती है, एक काम सी हो गई भक्ति भी। आप सुबह जगे, आपको इतनी माला करनी है, आपको यहाँ अभिषेक करना है, आपको यहाँ जल चढ़ाना है, आपको यहाँ पीपल को डोरा बांधना है, और हो गई भक्ति। अब करते करते थक गए, कब तक करोगे? एक बोझ ही तो है, क्रिया का एक बोझ है, कब तक उठाओगे? थक जाओगे एक दिन। और कल भी मैंने कहा था, ऐसा ना कुछ कर बैठना कि आपका मन थक जाए, कि आपका मन उपरत हो जाए। मैं छोटा था तो देखता था, मंदिर जाता था तो माताजी लोग क्या करती थी, घर में एक डिबिया में बहुत सारी घी की बाती बनाकर लाती थी। एक बाती यहां जलाई, एक यहां जलाई, एक शंकर जी को, एक हनुमान जी को, एक देवी जी को, एक राम जी को, एक यहां और वहां, कोई छूट नहीं जाए, सबको समेटा और घर पहुंची, सांस पे सांस चढ़ाए। आप श्रमित होकर आए मंदिर से, ये तो मंदिर जाना नहीं हुआ। मंदिर तो बिखरी हुई अपनी चेतना को एकाग्र करने के लिए जाया जाता है। आज तो मंदिर का भी दर्शन सुलभ नहीं है, जो ये आज जो बनाया जाता है इसे मंदिर नहीं कहते। मंदिर का एक नियम है, आज भी आप भारतवर्ष के प्राचीनतम मंदिरों में देखिए, आपको वहां एक वस्तु मिलेगी, अगर आप ध्यान दें, कि आपको वहां पूरे गर्भगृह में केवल एक देवता विराजमान मिलेगा। मंदिर जहां भीतर जाते ही आपकी संसार में बिखरी हुई चेतना सिमटने लगे, एकाग्र होने लगे। इसीलिए मंदिर है, इसीलिए देव मूर्ति है, इसीलिए मूर्ति का अधिष्ठान है जो आपकी चेतना को एकाग्र करे। भगवान ने आंख दो दी है पर दृष्टि एक है, और जब आपको निशाना साधना होता है, जब आप तीर चलाते हैं, निशाना साधते हैं, तो भगवान की दी दो आंख से एक आंख बंद कर लेते हैं, एक ही आंख से अपनी सारी दृष्टि एक 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 आंख से किसी एक विषय पर एकाग्र करते हैं, और तब निशाना सज जाता है। अध्यात्म की विद्या के मूल में, आध्यात्मिक उन्नति के मूल में जो वस्तु प्राप्य है, जो भाव प्राप्य है, जो भाव स्थिति प्राप्य है, उसका नाम एकाग्रता है। और ना तो एकाग्रता पूजा से आती है, पूजा में आती है, आएगी नहीं, क्योंकि पूजा में तो विधि भी है, पूजा में निषेध भी है, पूजा में ये करना है, पूजा में ये नहीं करना है, पूजा में इस हाथ का स्पर्श होना चाहिए पुष्प को, इस हाथ का नहीं होना चाहिए। पूजा में बातें ही दो है तो मन एकाग्र कैसे होगा? न योग में, न यज्ञ में, न जप में, न तप में, न व्रत में, न पूजा में, कहीं भी मन एकाग्र नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मन एकाग्र होता है, मन एकाग्र कब होता है? संसार में भी देखो, संसार में आपको किसी से प्रेम हो जाए, किसी से आसक्ति हो जाए, तो आप संसार में कहीं चले जाइए, संसार का कोई काम करने लगिए, लेकिन आपका मन उसी व्यक्ति के आसपास रहेगा। यदि आपकी किसी में आसक्ति है तो उसी व्यक्ति के आसपास रहेगा, वस्तु में आसक्ति है तो उसी वस्तु के आसपास रहेगा। प्रेम में यह बड़ी अद्भुत क्षमता है, मन चित्त की वृत्तियों को समेट लेने की, एकाग्र कर लेने की। इसीलिए भरत जी महाराज कहते हैं, हमने देख लिया, समझ लिया कि सार का सार क्या है, धर्म न अर्थ न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान, जन्म जन्म रति राम पद। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। तो नारद जी भक्ति की व्याख्या का आरंभ करते हैं, अथा तु भक्तिम व्याख्यास्यामः। प्रथम सूत्र भक्ति का देते हैं, कैसी है भक्ति? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, ये वो वृत्ति है जिसे अनुराग कहा जाता है। सा परानुरक्ति ईश्वरे, कि उसका नाम श्रवण करते ही भगवान नाम कान में पड़े, रोम रोम पुलकित हो जाए, नैन सजल हो जाए, कंठ का स्वर गदगद हो जाए, हृदय में अनुराग उमड़ने लगे। संसार में आप जो देखें, जो सुंदर, जो मधुर, जो सरस, देखते ही, दर्शन करते ही आपके मन में उसे अपने इष्ट को निवेदन करने की इच्छा हो,
जो जो आपके आपके उर अंतर में माधुर्य का आधान कर दे, प्रतिष्ठा कर दे, जो संसार के समस्त कड़वे कसैले अनुभवों को क्षुद्र कर दे, जिस जिस माधुर्य में इतना बल हो कि जैसे ही वो आपके हृदय का स्पर्श करे, ये दुख आलय रूपी संसार आपको सुखद प्रतीत होने लगे। जब आप अपने इष्ट की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें, जब आप अपने इष्ट के स्वरूप में अपने स्वरूप को तद्वत कर दें, ऐसी किसी वृत्ति का नाम भक्ति है, ऐसी किसी वृत्ति का नाम भक्ति है, बड़ी मधुर बड़ी मीठी। जब आपकी एक एक श्वास स्मरण हो जाए, जब चित्त की एक एक वृत्ति भजन हो जाए, जब हृदय का एक एक स्पंदन सुमिरन हो जाए, ऐसी किसी वृत्ति का नाम भक्ति है। तो नारद जी कह रहे सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, और केवल एक बात कह नारद जी को संतोष नहीं हुआ तो अगला सूत्र नारद जी देते अमृत स्वरूपाचा। भक्ति परम प्रेम स्वरूपिणी है और अमृत स्वरूपिणी है। कैसा अमृत, आज के भाव में प्रवेश करेंगे। आइए दो क्षणों के लिए नारद जी को प्रणाम करिए। अहो देवर्षिर धन्योयम् यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः गायनमा